इतने पसीना आ रहे, तो गर्मी कितनी लग रही है, बहुत ज्यादा देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी क्या आई है, पानी के अंदर पत्ते, पानी के पत्ते, पानी के पत्ते है, पानी के पत्ते, पानी मतलब पानी के अंदर ही। तो दुल्हन आ रही, राजघाट में दुल्हन आई हुई है। गर्मी वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल बेकार है मौसम। तो इतनी लेट क्यों आए हो? दुल्हन का लहंगा सेट करो। गुड्डी आई, मैं आई हेल्पर, क्या बोलूं, ओनर। तुम्हारे आने से पहले गर्मा गर्म तुम्हारे आगे दस्तरखान पे खाना आ जाता है। हाँ। बच्चों के तो सुबह के 5:20 हो रहा है और यहाँ पे अम्मी से मैं अभी कपड़े निकलवा रही थी अपने लिए, और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है बाहर का व्यू। तो जल्दी से रेडी होते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। निकल रहे हैं घर से और टाइम हो गया, हम 5 से रेडी होने स्टार्ट होते हैं, 6:05, तो जल्दी से निकलते हैं। पहले मुझे, मेरे साथ कौन जा रहा है वो आपको बाद में बताती हूँ बाहर चल के, क्योंकि आपके सब सो रहे हैं, पापा लाइट वगैरह बंद है, बाहर चलते हैं। चलो मम्मी, शॉप तो आ रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा, रक्षा सारी दुकानें भी बंद है। हमने कर लिया है राजघाट का, तो अभी मेरी पार्लर से दीदी और एक और लड़की है, वो दोनों भी आ रही है, तो उनका करना, उनको करना था अपना ब्राइडल शूट, तो उन्होंने बोला था कि तुम भी आ जाओ, तो मैं चलो मैं भी जल्दी, क्योंकि मुझे इनका शूट करना है अपने फोन से, और थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी अम्मी और मेरी। तो पहले हम गए थे राजघाट मॉर्निंग में, अब काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं अम्मी और मैं मॉर्निंग में। वैसे तो क्या टाइम हो रहा है अम्मी? लेट हो गया थोड़ा, नहीं मैं थोड़ी हालत नहीं था, हालत आ रहा था, 5 उठे थे वो, 4 से मुझे कॉल कर रही थी कंटिन्यू, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मैं कॉल इग्नोर ही कर जा रही थी उनकी। तो फिर 5 के बाद मैंने उनकी कॉल उठाई, फिर उन्होंने बोला कि चलना नहीं है, मैंने चलो ठीक है रेडी होती हूँ, जल्दी जल्दी रेडी होते 6 का, तो वो वहाँ पर बुला रहे समय मैंने किसी आने में लेट हो जाएगा, तो वहीं पर आ जाएंगे डायरेक्ट, राजघाट आ जाएंगी वो। तो मैंने भी डायरेक्ट राजघाट का रक्षा कर लिया है, तो चलिए चलते हैं राजघाट और मिलते हैं आपसे वहीं। करते हैं राजघाट के अंदर एंट्री। अम्मी खाने पीने का लाई है, देखते हैं अंदर अलाउ है या नहीं है। अम्मी चिप्स कुरकुरे वगैरह रख के लिए आई, मना ही करेंगे वैसे तो। वो कितना अच्छा लग रहा है, अम्मी क्या आई है? पानी के अंदर पत्ते, पानी के पत्ते, पानी के पत्ते, पानी के पत्ते, पानी मतलब पानी के अंदर ही तो है ये, बेल कोई होगी पत्तों की, नाम होगा कुछ तो, नाम होगा लेकिन नाम बाद में बता देंगे, अभी तो हाल फिलहाल पत्ते ही दिख रहा है। तो देख सकते हैं सुबह का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से खूबसूरत। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन देखो फिर भी हम पहली बार आई हूँ मैं, क्यों सायमा भी पहली बार, सायमा पहली बार आई हूँ, एक दफ़ा आई हूँ मैं, हाँ ये एक बार आई है, लेकिन मैं ना पहली बार आई हूँ यहाँ पर। वो पता नहीं कब तक आएंगे, मैंने उनको बोल रखा है कि आ जाओ जल्दी, उनको टाइम लगेगा आने में ही, उनको आने में ही टाइम लगेगा, उनका फिर जूड़े वूड़े नहीं भरे हुए, गर्मी में गर्मी लग रही है मुझे, तो यहाँ पता नहीं कैसे आएंगे वो, भारी लेंगे। सुबह आना चाहिए था उनको, अब तो थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया। हाँ सामने का व्यू देख सकते हैं, मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा हो रहा है, ज्यादातर लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, और हम आए हुए शूट के लिए, अपने वॉक पर भी आए करेंगे हम, सोच रहे हैं ना मम्मी सुबह सुबह आ जाए करो वॉक पर यहाँ पर। तो इतनी देर हो गई, जिनका शूट था ना आज वो अभी तक नहीं है, इनको टाइम इतना लग गया ना, मैंने अपनी रील भी बना ली है, इतने सारे घूम लिए हम, थक गए, ज़्यादा मौसम इतना अच्छा नहीं हो रहा, धूप सी हो रही है, पहले हो रहा था ना बारिश वगैरह का मौसम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मौसम गर्मी लग रही है, बस जल्दी आए निकले यहाँ से, थोड़ा आगे चल के बैठते हैं, गर्मी वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल बेकार है मौसम। तो इतनी लेट क्यों आए हो, सुबह आना चाहिए ना, मतलब 5 आना था ना यहाँ पर, नींद सोई नहीं, 4 से मुझे फोन कर थी, मुझे बिल्कुल भी उठाने की हिम्मत नहीं थी, मैंने 5 के बाद उठाया उनका फोन, फिर जाके 6 में रेडी हुई हूँ, वो तो मुझसे भी लेट हो गई, लेकिन तो थी मैं करूंगा मेकअप, तो लेकिन जो ना मेरा पता है क्या था, मैं उनका ये था कि मेकअप मैं करूँ, मैं करूँ ना, मैं करूँ, 2 घंटे लग जाते मुझे, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी जैसे उनसे वो वैसा कर लिया उन्होंने,
देखते हैं कैसा करा कैसा नहीं। तो लेकिन गर्मी में सूट किस तरह कर पाएंगी? कौन आ रहा है देखते हैं। तो आना चाहिए सुबह, आना चाहिए मतलब सुबह कितने बजे? 5 बजे की, तो सुबह ही आ जाते हैं, उसके बाद तो फिर धूप निकल जाती है तो मौसम। मैं तो बोल रही हूँ अम्मी से अम्मी वॉक करने आ जाए करो सुबह सुबह। मैं पहली बार आई हूँ ना, मैं कितने बताओ घर के नज़दीक है फिर भी हम आते नहीं। हर चीज़ हमारा घर के नज़दीक, इंडिया गेट भी ये भी, लेकिन हम कहीं निकलते ही नहीं, जाते ही नहीं है। लेकिन हाँ सही है, सुबह के टाइम आओ वॉक पे आओ जो भी है। पेड़ इतना खतरनाक सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दूर से तो ऐसे लग रहा है, लेकिन बहुत प्यारा भी लग रहा है ये देखो। आ जाओ अम्मी। अम्मी तो अपनी रील बनाने में लगी हुई, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, मैं बाल बाल खोल कर आई थी। ओ बुरा हाल हो गया, मच्छर काट रहे हैं पैरों में मेरे। जो दीदी हैं वो आ गई हैं, उनका आज ब्राइडल शूट है ना, तो लहंगा वहंगा पहन कर आई हैं वो। दुल्हन आ रही राजघाट में, दुल्हन आई हुई हैं। आगे की लोकेशन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो कहीं छाओं में चल के शूट वगैरह करते हैं। गुड्डी आ रही है। ये है गुड्डी, कह रहे ये छपरी है, छपरी बोलिए छपरा। और ये हमारी दुल्हन आ गई, और ये गुड्डी आ गई, और ये मैं आ गई, और ये हम आ गए। बस दूल्हे की कमी है यहाँ पर, पार्टी नहीं हो रही अभी तो। हम खाने वाने का लेकर आए थे, उन्होंने बाहर रखवा दिया है। वो अम्मी बिस्किट वगैरह सब लाई थी, चाय मिला थी, हमने बाहर रख दिया, हमने कहा कोई लेना जाए आके खाएंगे। तो अभी हम कर रहे थे यहाँ पर ब्राइडल शूट, तो जितने भी लोग हैं ना वॉक करते हुए जा रहे हैं, सब रिएक्शन देते हुए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में ब्राइडल, तो हम सबका रिएक्शन दिखाते हैं क्या रिएक्शन होता है पब्लिक का। अभी सब आते जा रहे हैं, देखते हैं कैसे। साढ़े सात बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इतनी ज्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा उनकी हालत देख सकते हैं, क्या हालत हो रही है गर्मी के बारे में। इतने पसीना आ रहे, तो गर्मी कितनी लग रही है बहुत ज्यादा देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है बहुत ही ज्यादा। तो अभी पानी लाए हैं, पानी पीना है, दे दो मम्मी, पानी दे देना मम्मी, लाल चींटी चढ़ गई। तो अभी चलते हैं आगे, लोकेशन चेंज करते हैं, फिर वहाँ पे शूट करते हैं। जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, इनका रिएक्शन देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। देख रही थी और मेरे कैमरे की तरफ देख रही थी। गाइस ये तो रिएक्शन के लिए मम्मी के पास ही आती है। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। ये देखो जिम का पूरा ओपन कराइए, ट्रैक सूट जिम भी कर ले। कर रही हूँ जिम, कर रही हूँ। गायब मत जाइयो। अम्मी पोज बताई जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। झूठ एक और सब परेशान हो रहे हैं भाई, है बहुत परेशान हो रही है। पलट पलट के देखना है। ये वाली लोकेशन हमने नेक्स्ट चेंज करी है, यहाँ पर वो करेंगे अब शूट। घुस मत जाना अंदर, दुल्हन का लहंगा सेट करो। गुड्डी हेल्पर, क्या बोलूं ऑनर, थैंक्स। तेरी मम्मी की शादी हो रही है। ओह माय गॉड। तो हम जहाँ भी लोकेशन पे जा रहे थे ना शूट करने के लिए, तो सबका रिएक्शन देखने लायक था, सब ऐसे रिएक्शन दे रहे थे, देख देख कर जा रहे थे। तो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि सबका फिर फोकस कैमरे पर ही जा रहा था, तो इसलिए जो भी सबका रिएक्शन था देखने लायक था। पता कौन सी जगह है, क्या है वहाँ पर? पानी है बहुत सारा और गाय वाय बना रखी है जिसपे बैठ सकते हैं। चले देखो चप्पल कौन सी पहन के आएंगे।
गजब बेइज्जती है। तो वहाँ पर देखो अम्मी और गुड्डी बैठ के बातें कर रही है वहाँ पर उनकी, उसको पता है कहाँ है पानी। आओ ली, मैं तो गाय पे जा रही हूँ। गाय नहीं है ये, ले पानी में डूब जा, लो गुलाब का फूल। वाओ देखो कितनी क्यूट लग रही है, वाओ सो क्यूट। क्या मैं गिर जाऊं? चलिए पानी फेंक कर आऊं, पानी में जा रही हूं मैं। धूप हो रही है यहां पे बहुत ज्यादा। आप फोटो ले लेते इतना ग्रुप फोटो ले लिया। भागती भी हम दोनों चलते। जो शूट है वो हो चुका है कंप्लीट, तो अब चलते हैं, घर की तैयारियां हो रही है चलने की। अब मैं पतली हो गई। इसी जैकेट जो उन्होंने पहले उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, गर्मी इतनी और थी ना तो चेंज कर ली यहीं पर ही। गर्मी के बारे में पता नहीं था क्योंकि सुबह मौसम तो अच्छा होता ना, अचानक से गर्मी में तब्दील हो गया मौसम। सब चलते हैं घर के लिए निकल रहे हैं। तो फजर में आओ सुबह 5 बजे। हाँ। बाकी तो बेकार है आना, क्योंकि तो धूप इतनी। मैं खुद बाल बाल खोल कर आई थी, बाल लपेट लिए। अब दुल्हन का हाल देख सकते हैं माशाल्लाह से, वो उतार दिया उन्होंने लहंगा। अब आ गई अपने सिंपल ड्रेस के अंदर जो डेली यूज की इनकी ड्रेस है। पिकअपू चले, बढ़िया सकून चलो चलो सब चल दिए अपनी अपनी मंजिल। लंगा कैसे बोझ उठाती हुई चल रही है ये। भारी है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। बहुत भारी है बोझ गाइस। सर पे रख ले, सर पे अपने। तुझसे भारी तो लहंगा ही लग रहा है मुझे ये। तो अब हो रही है हमारी जाने की तैयारी, हमारा शूट वगैरह जो चुका है कंप्लीट। और टाइम क्या आ रहा है? 8 बज गए। 5 बजे उठे थे, 8 बज गए ना। कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। अब घर जाके करेंगे नाश्ता पानी। अलाउ नहीं ना यहाँ पर, मैं गिर ना जाऊँ पीछे। कैमरामैन क्या बोल रहा है? तो हम गए नहीं बिल्कुल भी क्योंकि हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, निकलना भी है घर के लिए। और हमें थैली जो रखी थी खाने पीने की वो ले लेते हैं वहाँ से। गर्मी आ रही है 50 सीसी टेम्परेचर। सीसी अपनी पॉलिथीन ले लेते हैं वो रखी। गए तो वो थैली मिल गई वहीं पर ही, मुझे लगा मिलेगी नहीं। रक्षा तो हो गया है, अब हम अपने लिए रक्षा देख रहे हैं यहाँ पर। आप करते अपने लिए रक्षा यहाँ से। शॉर्टकट से अम्मी कह रही है कहाँ से लिया है, अम्मी पहली बार आई है। मैंने किधर की साइड ही मेरा ऑफिस है आगे, खैर पहले जो था यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल, दोनों साइड से यहाँ से निकल जाते हैं। यह है दरियागंज का एरिया। यहाँ देखो इतनी अच्छी सोसाइटी लगती है ना यहाँ की मुझे, आराम से बड़ी बड़ी गलियाँ होती हैं, फ्लैट होते हैं। अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी कर लो ये देखो, और हमारी गली में एक स्कूटी तक खड़ी करने की जगह नहीं होती। स्कूटी भी, स्कूटी लगाने में भी दिक्कत हो जाती है। पहले मैं रोज़ खाना जाना लगा देता था ऑफिस के टाइम पर, अब तो महीनों हो जाता। यहाँ पे वॉक करती भी जाती थी। मैं कर लिया है, पहले पी लेते हैं जूस बहुत तेज। तो यहाँ से हमने पी लिया है जूस, फिर निकलते हैं घर के लिए। और भैया के पास काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं, मतलब महीनों बाद। पहले जॉब कर रही थी मैं, यहीं से जूस वगैरह पीती थी। मैंने रक्षा कर लिया है, फिर निकलते हैं घर के लिए। पैसे कटवा दूँ मैं। The next day. तो लाइट चली गई है सुबह सुबह, ना ही तो हमने कर लिया है। तो अम्मी को देखते हैं अम्मी क्या कर रही है किचन में। ये क्या कर रही है अम्मी ऊपर बैठ के है? लगा ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है और लाइट गई हुई है। लाइट गई हुई है, खिचड़ी खिचड़ी कुछ भी कह रही हूँ।
बना रही है, कड़ी बना रही है। जो ना हमारी जो दुल्हन है, हाँ। और दुल्हन गई है क्या कहते हैं जो ना बच्चों को लेने स्कूल, और स्कूल लेने गई है, कुछ काम भी है उनको, बाकी भी खाना बना रहा है। एक बहुत बड़ी मतलब वो है जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी हालत से अंदाजा लग सकता है मैं कैसे पसीने में नहा और अम्मी कर रही हैं, मामी से बात कर रही हैं। कभी मतलब सायमा के लिए तो छोटा मोटा बना देती हूँ मैं खाना, जैसे सबके लिए, फैमिली के लिए मैंने काफी साल हो गए बनाए हुए, काफी साल मतलब बेटियां बनाती थी, फिर दुल्हन आ गई, दुल्हन बना लेगी, तो वही बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो मुझसे नीचे से ना मुझे दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो रहा था ना, और बातें करते करते मम्मी यहाँ बैठ के ना खाना बना रही हूँ, बात कैसे कर रही हूँ बड़ी भाभी। हाँ हेलो, देख लो कितनी जिम्मेदारी कड़ी बनाने की है। ये काढ़ी इतनी हो गई मेरी, कड़ी इतनी गाढ़ी हो गई, इसमें पानी ठंडा डालूं या गर्म डालूं ये तो बता दो। अभी तो बता दो इसमें पानी कौन सा डालूं, ठंडा डाल दूं? अच्छा ये बहुत गाढ़ी हो गई, चलो तुम बनाओ ठीक है, इतना फोकस करो घर तो बना नहीं अभी तक खाना। कितने नंबर देना चाहोगी किचन में औरतें खाना बनाती है? मैं उसको 100 नंबर देना चाहती हूँ जो किचन के, 120 नंबर, क्योंकि नजारा मेरी आंखों के सामने, अम्मी इतनी मेहनत कर रही थी गर्मी में ना खाना बना रही है कि पापा आने वाले हैं, बेटा आने वाला है, औरतें काम करती है कि वो बच्चे बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि क्या करती हो पूरे दिन घर में रहकर, लेकिन उनको नहीं पता कितनी मेहनत से बनता है खाना गर्मी में रहकर, गर्म गर्म परोसती है, उनके इंतजार भी बच्चों के, कहते हैं क्या कर रहा है सारा दिन, दो रोटियां बनाई, अरे दो रोटियां, बच्चे बाहर से आते हैं, हस्बैंड आते हैं, औरतों का क्या काम है किचन में खाना टाइम से बना लेती है, ये भी मेहनत का काम है तो, लेकिन टाइम पर उनको खाना मिल जाता है। आदमी सोचते हैं कि हम ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते, आराम करती है भाई, बच्चों को लाना, स्कूल छोड़ना, बहुत जिम्मेदारियां हैं घर की, किचन की तो बहुत ज्यादा। तो सैल्यूट देते हैं ऐसी औरतों को जो किचन में काम करते हैं। तो मतलब खाना बनाओ, मिलते हैं थोड़ी देर में। One hour later. तो जी फ्रेंड्स, खाना हमारा आ गया, लाइट भी आ गई है सही टाइम पे, तो खाना स्टार्ट करते हैं। खाने में आज कढ़ी और चावल, तो आ जाओ मैं खा लो, खाना शाना खा के निकलना है क्लास के लिए भी। कड़ी भैया ये कड़ी गर्मी की मेहनत पसीनों से बनी है, बड़ी कड़ी में पसीने से मैं तो डाल दी कड़ी में। तो चलिए जी फ्रेंड, खाते हैं अपना खाना, फिर निकलते हैं क्लास के लिए, बिस्मिल्लाह करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 3 hours later. नेक्स्ट डे लग गया, कल आपने देखा होगा हम गए थे राजघाट, तो राजघाट में थोड़ा लेट हो गए थे हम, क्योंकि इस टाइम जो मौसम चल रहा है थोड़ा गर्मी वाला चल रहा है, पहले तो ठंड हो रही थी थोड़ी बहुत, मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन इस टाइम मौसम में तो खराब हो रहा है। तो जाओ ना कभी भी 4 या 5 बजे जाओ शूट के लिए, तब सही है, फिर हम तो पहुंच गए थे सही टाइम पे 7 बजे। हाँ लेकिन वो लेट हो गई थी आने में, उनका हेयर स्टाइल वगैरह बनने में टाइम लग गया था, तो इसलिए। और मॉर्निंग में मम्मी बोलते हैं पहली बार नहीं गई राजघाट ये, क्योंकि इनको पहले वीरभूमि दूसरी साइड दूसरे गेट से लेके गई थी उनको एंट्री, तो इसलिए लगा इनको पहली बार गई, तो मैं तो गई भी हूँ, अम्मी को लगा पहली बार, काफी महीनों बाद गए थे, पिछले साल गए थे तो मैं कुछ याद ही नहीं है। देखो मुझे याद नहीं कब गई थी कब नहीं, लेकिन आगे गई है मतलब लेके गई है ना, मैं 2-3 बार लेके गई, उनको याद ही नहीं है कुछ भी। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर। हाँ जो मेकअप था ना उन्होंने खुद करता हूँ, मेरा मेकअप नहीं था, कभी आप सोचो कि सायमा ने मेकअप कराया, अगर मेरा मेकअप तो आपको पता है कैसा है मेरा मेकअप, तो वो कर रहा था जो मेरी दीदी थी, उन्होंने अपना खुद ही जल्दी मेकअप करके वहाँ गई थी, उनको अपने पेज के लिए कर रहा था शूट, मेरा पेज का शूट नहीं था या उनके पेज का शूट था, तो मैं चली गई थी उनके साथ, उन्होंने बुला लिया था कि तुम भी आ जाना। तो इसके साथ इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर, उम्मीद करते हैं सबको पसंद आएगा व्लॉग, पसंद है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को आगे लेके जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हाँ वो भी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू।